हल्द्वानी में अब राजमार्गों के किनारे बसे लोगों को उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जी हां, हाईकोर्ट ने प्रशासन को हाईवे के किनारे और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है, जिसके बाद प्रशासन अब लोगों पर कार्रवाई करते हुए नोटिस देना शुरू कर चुकी है। लोगों से जमीनों के कागजात मांगे जा रहे हैं। प्रशासन को फिलहाल सिर्फ 100 के तकरीबन जमीनों के कागजात मिले हैं। बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रशासन को जल्द ही अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब जो लोग अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, उनका हाल बेहाल है। उनके सामने रहने का संकट गहराता जा रहा है। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य मार्गों के किनारे बसे लोगों का भी विरोध तेज हो गया है। वहीं लालडांट स्थित एक बारात घर में बैठक के दौरान दान सिंह भंडारी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश सरकार की ओर से जनहित में पैरवी ना करने पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से सड़क किनारे बसे लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, ऐसे में अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ना सरासर गलत है। उन्होंने कहा, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जा रही है। कहा, जिन लोगों को अतिक्रमणकारी बताकर उजाड़ा जा रहा है, उनके पास अपनी भूमि के वास्तविक दस्तावेज हैं, इसके बावजूद उन्हें नोटिस दिया जाना उचित नहीं है। बैठक में वक्ताओं ने कहा, उच्च न्यायालय के आदेश में किसी भी प्रकार की दुकानों को तोड़ने का आदेश नहीं दिया गया, लेकिन सरकारी तंत्र तोड़ने की नोटिस जस्पा कर भय का माहौल बना रहा है। दरअसल आपको बता दें, अब अतिक्रमण की जद में आ रहे पर्वतीय क्षेत्रों में दुकानदार और घरों में भी नोटिस चस्पा हो रहे हैं, जिस वजह से भीमताल विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक सिंह भंडारी ने लोगों से जमीन संबंधी दस्तावेजों की कॉपी जमा करवाई है। आपको बता दें, भंडारी का कहना है कि 200 ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि संबंधी कागज होने के बावजूद पीडब्ल्यूडी और वन विभाग ने नोटिस भेज दिए हैं। उनका कहना है कि इस वजह से वर्षों से छोटे छोटे रोजगार के जरिए परिवार पाल रहे लोगों के सामने अब आजीविका का संकट खड़ा हो रहा है। सरकारी विभाग सीधा ध्वस्तीकरण की नोटिस चस्पा कर डर का माहौल पैदा कर रहा है। बड़ी आबादी को राहत दिलाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने में जुट गए हैं। उनका कहना है कि मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की जाएगी। तो कुल मिलाकर अब हल्द्वानी में राजमार्गों के किनारे बसे लोगों पर संकट खड़ा हो गया है।